जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। सो आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए जो YouTube पर पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में भी, मोटिवेटर्स और डीमोटिवेटर्स। आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियो ट्रेंड में हैं जिनके लाखों में करोड़ों में व्यूज हैं, या ऐसा अपन कह सकते हैं कि केवल व्यूज के लिए ऐसे वीडियोज बनाए जा रहे हैं जिसमें आप देखते हैं कि मेरा सुबह 3 बजे से शाम को या रात को 11 बजे तक का शेड्यूल क्या है। भूख प्यास छोड़ दोगे ऐसा वीडियो देखोगे तो, ये नहीं देखा तो क्या देखा, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जिनको स्टूडेंट देखना पसंद भी करते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो है वो उन्हें फॉलो भी करते हैं 2 दिन या 4 दिन के लिए। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग बात कहते हैं कि ये वीडियो देख लो तो 16 घंटे तक पढ़ाई करोगे, नींद भूख प्यास सब छोड़ दोगे, ये नहीं देखा तो क्या देखा, 1% स्टूडेंट में कैसे शामिल हो, 24 घंटे पढ़ने वाला जो तरीका है वो कौन सा है, रोंगटे खड़े कर देना वाला वीडियो, ठीक है, 16 से 24 साल की जो उम्र है उनके लिए ये वीडियो खास है, सपने में कैसे पढ़े, नींदों में कैसे पढ़े, रिविजन कैसे करे, सफलता पांव छूने वाले वीडियो, ये सारे जो थंबनेल आप देखते हैं, ऐसे वीडियो आप देखते हैं तो उसका इंप्रेशन क्या होता है। एक जो क्रिएटर जो बना रहा है, हो सकता है उसको तो केवल व्यूज की जरूरत हो, उसको वहां से कुछ रुपए कमाने हो, लेकिन स्टूडेंट जो स्टडी कर रहा है सीरियसली उस पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, बहुत बड़ा इसका प्रभाव होता है। ऐसा नहीं कि वो उसे देख लेगा और उसे वो अपने डेली रूटीन में लेके आ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है 16 घंटे पढ़ना? 1 दिन के लिए पॉसिबल है, 2 दिन के लिए पॉसिबल है, लेकिन अगले दिन तीसरे दिन नहीं होगा वो पॉसिबल। सपने में कोई कैसे पढ़ सकता है, ठीक है, एग्जाम से पहले कोई वीडियो देखेगा तो उसके मार्क्स कैसे आ सकते हैं, उसको तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसा सब कुछ पॉसिबल नहीं है। जो स्टूडेंट इन सब को देख करके मोटिवेट हो रहे हैं डेफिनेटली वो अपनी जो सफलता है उसे नहीं प्राप्त कर सकते। अरे सर आप कैसे कह सकते हो, आप कौन, आपने कौन सा क्या तीर मार दिया है यहां से? वैसे तो मैंने कुछ खास किया नहीं ना, मुझे लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, हाँ, लेकिन इतना तो किया ही है कि घर वाले और मैं, हाँ ठीक है, चल रहा है अपना काम, सर्टिफिकेशन वाला काम मैंने किया है, ठीक है। रही बात इन सब की, तो ये जो वीडियोज हैं आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, स्टूडेंट की मैं बात करूँ, तो वो इसे देखेगा स्टूडेंट जब भी वो हताश है, वो देख रहा है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे टिकटॉक तो बैन किया गया था, लेकिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब ने क्या किया, जैसे टिकटॉक था वैसे ही शॉर्ट्स वाला सिस्टम इन्होंने शुरू किया, और वहां पर क्या होता है, छोटी छोटी क्लिप जो होती है 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की होती है, बैकग्राउंड में कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा होता है और आगे ऐसा लग रहा है कि सीरियस कैंडिडेट बैठ के पढ़ाई कर रहा है, नहीं वो बोल रहा है कि आप 16 घंटे कैसे पढ़ेंगे। तो आप प्रैक्टिकली सोचिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग आपने ली है तो ऑफलाइन कोचिंग्स में जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर आप भरोसा कीजिए। ऑनलाइन में ली है तो उन्हीं टीचर को आप देखिए वो किस स्ट्रेटजी से आपको पढ़ा रहे हैं, क्या आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, किस तरीके से पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, किस तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो उनको आप फॉलो कीजिए। बहुत सारे ऐसे देखे हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो यूट्यूब शॉर्ट्स के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो YouTube और Google जैसे जो प्लेटफॉर्म है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, अगर आप सही से इन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं तो, और नहीं तो फिर दिक्कत है ही। मान लीजिए मुझे किसी टॉपिक में दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं उसका सर्च करूंगा, उसे देखूंगा, उसको देखूंगा तो उसी के आसपास सजेस्टेड वीडियो में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे वीडियो, ठीक है, जिस पर स्टूडेंट जो है क्लिक करता ही करता है और उसे देखता ही देखता है और उसको फॉलो करने की कोशिश करता है कि मैं 5 घंटे ही सोऊंगा, जो बोल रहा है वो 5 घंटे ही मैं सोऊंगा और बाकी मैं पढ़ूंगा, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको अच्छा स्कोर लेके आना है तो आपका अपना खुद का शेड्यूल होना चाहिए, खुद की मेहनत आपकी होनी चाहिए कि मैं 7 घंटे 6 घंटे पढ़ लूंगा, अच्छे से फोकस्ड स्टडी में कर लूंगा, डिसिप्लिन स्टडी कर लूंगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। केवल 16 घंटे पढ़ने से नहीं होता, 5 घंटे आप सोओगे तब भी काम नहीं बनेगा। कुछ ऐसे भी देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 11 बजे तक का शेड्यूल अपना बताते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं। अगर आपको जल्दी उठ के पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, लेट नाइट पढ़ना तो पढ़ लीजिए, सुबह लेट उठ रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबका जो आप पढ़ते हैं ना बायो में, बायोलॉजिकल जो साइकिल है एक तरह से, ठीक है, 24 घंटे की जो रिदम वाला होता है वो सब एक तरह से अपना सेट करके रखते हैं,
जरूरी नहीं कि जो टॉपर ने आप बोला है वो आप फॉलो करेंगे तो टॉपर बन ही जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत सारे आईएएस वगैरह भी अपन देखते हैं कि जिनके 10th में 58%, 50%, 12th में कुछ फेल भी हुए लेकिन फिर भी उन्होंने यूपीएससी क्रैक किए, तो उनकी खुद की स्ट्रेटेजी थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 20-20 घंटे पढ़े और 4-4 घंटे ही वो सोए। तो जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं करेंगे, मिसयूज करेंगे तो फिर दिक्कत है। पेरेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि अगर स्टूडेंट ऐसा कुछ कर रहा है तो आप, अपना बच्चा कर रहा है तो उसे देखिएगा, उसे समझाइएगा कि भाई केवल जो यूजफुल चीजें वही देखे, क्योंकि शॉर्ट्स का जो एडिक्शन कह सकते हैं, जिसे मेरे लिए भी काफी था ये, कुछ टाइम पहले तक मैं भी शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे थे, एक घंटा बीत गया, पता चला 50 मैसेज आ रहा, 50% डेटा जो कंज्यूम हो चुका है, साहब बंद कर दो, अब तो बंद कर दो, फिर भी नहीं होता है, शॉर्ट्स चीज ही ऐसी है। ठीक है, तो उन सबके चक्कर में अपने को नहीं पड़ना है। और रही बात कुछ यूट्यूबर्स और टीचर्स की, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है वो आप बताइए। आपके काफी फॉलोवर्स होंगे चैनल पे या ऑफलाइन भी होंगे, तो उन्हें अच्छे से गाइड कीजिए, ना कि कुछ व्यूज के लिए उन्हें अपन थोड़ा सा रास्ते से भटका दे तो उसके लिए थोड़ा गलत होगा। अपने लिए तो फायदेमंद होगा, रुपए कमा लिए जाएंगे, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होगा। तो जो बेसिक चीजें वो आप उन्हें बताइएगा तो काफी हेल्प उनको मिलेगी। और स्टूडेंट्स के लिए तो हमेशा यही मैं कहता हूँ, डेडिकेशन डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन स्टडी आप करेंगे, थोड़ा सा डेडिकेट रहेंगे, फोकस्ड स्टडी करेंगे तो काम बन जाएगा। जो मैंने गलतियां की है वो मैं आपको बताता रहता हूँ वैसे भी, कि किन गलतियों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है नीट में, तो आप भी वो ना करें तो अच्छा रहेगा। जो सिलेक्टेड है उनकी तो बात आप मानिए, लेकिन जो नहीं है उनकी भी थोड़ी सी मानेंगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो, आप अच्छी रैंक से जिस भी एग्जाम में बैठे हैं उसमें सेलेक्ट हो जाए। वैसे वीडियोस पे आप ध्यान ना दें, अपनी स्टडी कीजिए, जो टीचर आपको बता रहा है उस पर ध्यान दीजिए, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियोस देख के आप मोटिवेट हो जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन फिर भी जो अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप घर से दूर रह के स्टडी कर रहे हैं कोटा में, सीकर में, दिल्ली, जयपुर, तो समय निकाल करके अपने घर वालों से जरूर बात कीजिएगा। क्योंकि आए दिन बहुत सारे केसेस अपन देखते हैं, न्यूज में भी आता है कि डिप्रेशन का वो स्टूडेंट था या वगैरह वगैरह, वो अपन देखते, तो डिप्रेशन जैसा कुछ होता नहीं, एक तरह से ओवर थिंकिंग जो होती है उसे आप निकालिए दिमाग से, टाइम निकाल के दोस्तों से, फैमिली से बात कीजिए, और ऐसे सारी वीडियो से और शॉर्ट से थोड़ा सा दूर रहिएगा। क्योंकि अगर बार बार ऐसी वीडियो आप देखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूट्रल हो जाएगा इंसान, वो मोटिवेट होगा ही नहीं अंदर से। सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो कुछ टाइम के लिए काम करता है, इंटरनल जो है वो ज्यादा टाइम तक काम करता है, लॉन्ग पीरियड तक वो काम करता है, तो उस पर भी आप काम कीजिए इन सब से दूर रह करके। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो चल रहा है वो चल रहा है, बायो में आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।